तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज का वीडियो इंडियन नेवी के डबल ए एंड SSR के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यदि आप जानना चाहते हो, जैसा कि आपको पता है कि डबल ए एंड SSR का जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, जो कि 20 जून को आने वाला है, उसका कट ऑफ कितना रह सकता है, एक्सपेक्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज की इस वीडियो में उसी को आपके साथ बताऊंगा मैं आपके लिए। तो यदि आप जानना चाहते हो कि एक्सपेक्टेशन हमारे के अनुसार आपका ने भी डबल ए एंड SSR का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने के लिए कट ऑफ कितना रह सकता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जब कभी भी हम वीडियो चलाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट ऑन जरूर से करें। वहाँ पर नेवी, डबल ए, SSR, MR और एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और यहाँ तक कि जितनी भी डिफेंस की जॉब्स होती हैं, सभी के बारे में वहाँ पर अच्छी तरीके से आपके लिए बताया हो। तो एक बार चैनल को ज़रूर से विजिट ऑन करिएगा। तो चलिए फिर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, बाकी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का कट ऑफ होगा वो ओनली नेवी डिसाइड करेगा, कि हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है, कि आपका इतना रह सकता है। आप कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट पर ही, काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे बहुत पहले से बोल रहे थे, लेकिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था। लेकिन आज देखिए, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो देखिए, काफ़ी अपने साथी यूट्यूबर्स हैं, उनकी सभी की हेल्प से और आप कैंडिडेट्स के बोलने पर मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ। ये मेरा ओनली ओपिनियन है, ठीक है। तो चलिए फिर फाइनली अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें, जैसा कि आपको पता है कि SSR और डबल ए, SSR का फुल फॉर्म होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, और डबल ए का फुल फॉर्म होता है आपका आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। तो सबसे पहले बात करें कि इनका कट ऑफ कैसे निकलता है। तो SSR का कट ऑफ निकलता है साथ ही वो आपका स्टेट वाइज, और साथ ही साथ डबल ए की बात करें तो डबल ए का कट ऑफ निकलता है ऑल इंडिया बेस पर, ठीक है। डबल ए का कट ऑफ निकलता है ऑल इंडिया बेस पर, और SSR का निकलता है स्टेट वाइज। तो देखिए, यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज SSR के अंदर स्टेट वाइज होती हैं, और डबल ए के अंदर ऑल इंडिया वैकेंसीज होती हैं। अब देखिए, वैकेंसीज की यदि हम बात करें सबसे पहले, तो SSR के, देखिए साथियों थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं आपका, लेकिन आपको डेफिनेटली अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा मैं। तो देखिए, SSR के अंदर जो वैकेंसीज लेता है नेवी, वो 2200 के समथिंग है जो वैकेंसीज हर बार ले लेता है, यानी 2200 के समथिंग कैंडिडेट्स हर बार सेलेक्ट कर लेता है SSR के अंदर नेवी। और डबल ए की बात करें तो समथिंग 500 कैंडिडेट्स डबल ए के अंदर सेलेक्ट कर लेता है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका SSR का जो कट ऑफ गया था फेस सेकंड के लिए, यानी फिजिकल के लिए आपका जो कट ऑफ गया था SSR का, वो गया था स्टेट वाइज, साथ ही साथ डबल ई का गया था, वो गया था आपका ऑल इंडिया बेस पर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके लिए थोड़ा SSR के कुछ स्टेट्स बता देता हूँ जिनका कट ऑफ मेरे को अभी हाल ही में पता है। तो देखिए, हरियाणा की बात करते हैं सबसे पहले, जिसका सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था वो गया था हरियाणा का, और वो SSR के अंदर बात कर रहा हूँ, SSR के अंदर हरियाणा का कट ऑफ गया था वो गया था 45 के समथिंग। इसके साथ ही राजस्थान की बात करें साथियों, तो राजस्थान गया था 43.50। इसके अलावा हम गुजरात की बात करें तो गुजरात का गया था 19, और यूपी की बात करें तो यूपी का गया था 41, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कट ऑफ गया हुआ था। तो अब बात करते हैं, तो ये तो बात होगी SSR की। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं इन कट ऑफ्स को आपके लिए क्यों बता रहा हूँ, लेकिन वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं आपके लिए इन कट ऑफ्स को आपके सामने क्यों लेके आया हूँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ा डबल ए की। देखिए, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए एक दूसरे कंपेरिजन करने पर ही हम आपके लिए अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपका डबल ए का ऑल इंडिया कट ऑफ गया था वो गया था 47.25 के समथिंग, आपका डबल ए का कट ऑफ गया था, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स जिनका हरियाणा से है, किनका हरियाणा से है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि हरियाणा का कट ऑफ गया था वो गया था 45 के समथिंग, आपका हरियाणा का गया था, और डबल ए का कट ऑफ गया था आपका 47.25। तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 1.5 मार्क्स का समथिंग कुछ डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो
हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से SSR के अंदर मोस्टली कैंडिडेट्स सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आउट होना पड़ेगा, लेकिन हो भी सकता है कि बिल्कुल है जो कैंडिडेट्स आउट ना हो हरियाणा से, बिकॉज देखिए यहाँ पर नंबर्स का जो है डिफरेंस बहुत कम है। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए बात करूँ तो जिन कैंडिडेट्स के 47.25 मार्क्स हैं, ठीक है, 47.25 मार्क्स हैं, इसके अलावा मैं आपके लिए बताऊं कि SSR के अंदर जब बात करते हैं तो SSR के अंदर जिन कैंडिडेट्स के, एक मिनट देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो देखिए 47.25 जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स मार्क्स थे, चाहे वो SSR के लिए उन्होंने SSR NAA के लिए किसी भी फील्ड के लिए उन्होंने अप्लाई किया हो फॉरम, तो देखिए जिनके 47.25 से ऊपर नंबर थे या 47.25 थे, उनका जो फेस सेकंड हुआ था यानी फिजिकल मेडिकल वगैरह हुआ था वो होता ओनली AA के लिए, उनका SSR से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात करें हम इससे 47.25 से नीचे वाले कैंडिडेट्स की, यानी जिन हरियाणा की बात कर लें, सबसे पहले तो हरियाणा का हाइएस्ट गया था, हरियाणा गया था 45, तो 45 से ऊपर और 47.25 से नीचे, ठीक है, जिन कैंडिडेट्स के नंबर हैं वो आ रहे हैं SSR में, तो जिनका सिलेक्शन होगा SSR के अंदर वो होंगे, हरियाणा की बात करूँ तो मैं 45 से 47.25 के बीच नंबर जिनके होंगे वो हरियाणा के अंदर सेलेक्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस बहुत कम है, 1.5 के समथिंग कोई डिफरेंस है, तो डिफरेंस बहुत कम है, तो यहाँ पर से मोस्टली कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, यानी ओवरऑल बोलूँ तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स से सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, बहुत कम चांस है कि कैंडिडेट्स यहाँ से छोड़ दिए जाएँ, ठीक है। इसके अलावा हम बात करूँ मैं राजस्थान की, तो राजस्थान का गया आपका 43.50, तो यहाँ से भी ज़्यादातर देखिए राजस्थान, हरियाणा, यूपी और आपका बिहार, तो इन स्टेट से SSR के अंदर मोस्टली कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी यहाँ से कैंडिडेट्स को निकालने के बहुत कम चांसेस बनते हैं, यानी ना के बराबर कैंडिडेट्स यहाँ से निकलेंगे, यदि निकाले जाते हैं बाकी बिल्कुल नहीं निकाले जाएंगे, इतना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखिए ये बिल्कुल मेरा ओपिनियन है, और जो फाइनल सेक्शन लिस्ट का कट ऑफ रहेगा वो 20 जून को इंडियन नेवी की तरफ से ही आपके लिए डिक्लेयर किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि कौन से हैं जो स्टेट हैं वो खतरे में हो सकते हैं, तो देखिए इसकी बात करें साथियों हम, तो जैसा कि आपको पता है कि गुजरात, गुजरात का गया था आपका, गुजरात का आपका कट ऑफ गया था आपका साथियों 19। इसके साथ ही कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका का गया था 19, 19-20 के समथिंग ही कर्नाटका का कट ऑफ गया था और फेस सेकेंड के लिए, और जम्मू कश्मीर को भी इसमें ले सकते हो आप, जम्मू कश्मीर का 32 के समथिंग जो इनका कट ऑफ गया था फेस सेकंड के लिए। तो साथ ही आप देख सकते हो कि 47.25 वाला कैंडिडेट्स SSR के लिए सिलेक्ट ना होकर AA के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप कि गुजरात के अंदर 19 मार्क्स हैं, कर्नाटका के अंदर 20 हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर 32 हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो। तो यहाँ से डेफिनेटली जब डिफरेंस ज़्यादा है, कट ऑफ कम गया, तो डेफिनेटली ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे, और SSR में जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि स्टेट वाइज वैकेंसी जो होता है स्टेट के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए, जैसे राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, जम्मू कश्मीर के लिए अलग, कर्नाटका के लिए अलग, बिहार के लिए अलग, सभी स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसीज होता है। तो देखिए जिन स्टेट का कम गया है तो वहाँ से डेफिनेटली ज़्यादा स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स से जो हैं अपने उनको लिया गया होगा फिजिकल के लिए, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो आपके साथ अभी रनिंग में हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगा, बिकॉज देखिए वहाँ पर आपका जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है, बिकॉज आपने फेस सेकंड में जाने के लिए वो तो क्वालिफाई कर लिया, यानी आपका फेस सेकंड के लिए कट ऑफ कम था, लेकिन अभी जो फाइनल में आप पहुँचोगे तो आपको जिन कैंडिडेट्स का 19 है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं SSR का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किन स्टेट का किस तरीके से कट ऑफ जाने वाला है। इसके साथ ही AA की बात करें साथियों हम, तो AA की 47.25 आपका कट ऑफ गया था, आपको पता है, हमको पता है और सभी को पता है, तो 47.25 गया, तो यहाँ पर AA की बात करें तो यहाँ पर देखिए जिन कैंडिडेट्स का 47.25 है तो उनके लिए बहुत बुरी खबर है, बिकॉज 47.25 हो सकता है कि हाँ सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि नेवी जो है एक निश्चित एरिया में रहकर जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करता है, यानी बिल्कुल एक्यूरेट कैंडिडेट्स
रह जाते हैं ज्वाइनिंग टाइम पर पहुँचते पहुँचते, यानी मोस्टली कैंडिडेट्स आउट नहीं किए जाते। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है कि डबल ए के अंदर 2-3 नंबर से जंप कर जाए आपका कट ऑफ इंडियन नेवी की, जो 20 जून को आने वाली है। तो अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ मैं, तो जंप कर जाएगा तो भाई 47.25 वाले जिन कैंडिडेट्स का नंबर है तो वो बहुत, उनका कुछ नहीं होने वाला, यानी उनको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, उनका नाम नहीं आएगा ओवरऑल बोलूँ तो। देखिए बुरा नहीं मानने का, आपका जो 20 जून को आएगा वही फाइनल रहने वाला है, ठीक है साथियों। तो देखिए यहाँ पर एक बात आपके लिए डाउट है, जो कैंडिडेट्स का कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर अपना जो SSR है उसके अंदर यदि हमारे, मान के चलो अभी जैसे कि आपको बताया कि डबल ए के अंदर यदि आपका 47.25 मार्क्स है तो आप डबल ए के लिए सिलेक्टेड हो, ठीक है। तो कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि यदि हमारे 47.25 में और बाई चांस यदि हम डबल ए के अंदर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो क्या हम SSR के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे? तो बिल्कुल भाई आप गलत सोच रहे हो, आप बिल्कुल भी SSR के अंदर सेलेक्ट नहीं होगे, बिकॉज आप है जो फेज सेकंड किया है वो डबल ए के लिए किया है। अपने एक साथी थे उनके लिए पहले मैंने गलत जवाब दे दिया था, लेकिन बाद में मैंने उनको कमेंट एडिट करके वापस से सही रिप्लाई दिया है, बिकॉज मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिली तब मैं आपके लिए प्रोवाइड कराया सही से, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये नेवी का एक बहुत बड़ा लोचा है, पता नहीं क्या कर रहा है नेवी कि एक बार सोचो कि 45 वाले कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दे दिया जाएगा और 47 वाले को नहीं दिया जाएगा। तो ये पता नहीं नेवी जाने क्या कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है वो नेवी कर रहा है, ठीक है। तो 47.25 जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं वो यदि डबल ए में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो SSR में भी सिलेक्ट नहीं होंगे। बिल्कुल दिस इज राइट, बिल्कुल पत्थर की लकीर है यार, हो ही नहीं सकता। अब पता नहीं नेवी ये किस रीजन से कर रहा है। तो देखिए कुछ टाइम पीछे आई होप कि मैं वीडियो लेके रहा हूँ आपके लिए, तो यदि आप सपोर्ट करते हो तो हो सकता है अपने दूसरे यूट्यूबर भाई हैं जो सपोर्ट करें हमारी वीडियो का, और वो भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं कि नेवी ऐसा क्यों कर रहा है, नेवी को ये रिमूव करना चाहिए। यदि आप सपोर्ट कर दो तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ही लेकर आऊँगा, जिससे कि अपने दूसरे साथी हैं, अपने जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको इस परेशानी का सामना ना करने पड़े, बिकॉज ये बहुत बेकार चीज़ है नेवी में कि डबल ए वाले कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है और SSR में नहीं किया जाता है, डबल ए में आउट तो SSR में भी आउट। तो ये बहुत बुरी चीज़ है एक तरीके से बोलूँ तो। यदि आप सपोर्ट करते हो तो आपके लिए बहुत जल्द वो वीडियो लेके आऊँगा, और मुझे पता है काफ़ी अपने यूट्यूबर भाई ऐसे होंगे जो हमारी ज़रूर से हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपके लिए, SSR एंड डबल ए के लिए इतना कट ऑफ रह सकता है, ओनली एक्सपेक्टेशन 20 जून को आपको डेफिनेटली स्वयं से पता चल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से करिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और एक बार चैनल पर विजिट ऑन जरूर से करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।